जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, एक्सरसाइज 8.2, बाइनोमियल थ्योरम इज गोइंग ऑन बच्चों, और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में xn का गुणांक 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में xn के गुणांक का दुगना होता है। xn मतलब x की घात n, बोलने में xn आ जाता है। तो बच्चों, इसकी जो पावर है, इंडेक्स है, वो 2n है ना। चलते चलते कहीं ना कहीं n ज़रूर आएगा, n वा टर्म है ना, ऐसे यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ वाला देना है उसका कोफिशेंट यानी गुणांक, इसका भी कोफिशेंट आपको बताना है कि इसका कोफिशेंट इसके कोफिशेंट का ट्वाइस है, दुगना है। ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी बच्चों मैंने करके रखी है, बाकी आपके सामने। फर्स्ट बाइनोमियल हमारा है 1 प्लस एक्स, दूसरा भी 1 प्लस एक्स ही है। इसका इंडेक्स है 2n, इसका इंडेक्स है 2n माइनस 1। ठीक, आपको प्रूव करना है कि इसके xn का कोफिशेंट इसके xn के कोफिशेंट का ट्वाइस। ठीक है, सबसे पहले जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n विल बी 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का व्यापक पद होगा। क्या होगा बच्चों? tr प्लस 1 2n cr, इसको हम c2nr बोलते हैं कायदे से, c2nr कायदा ये है, बट जल्दबाजी में 2ncr ही बोल देते हैं, x टू द पावर r है ना। अब आप r को n रखो, इफ यदि r बराबर n, देन तब क्या होगा, ये बन जाएगा tn प्लस 1, r की जगह n आ गया, और 2ncn x टू द पावर n, ये x टू द पावर r था, ये हो गया n। अब x टू द पावर n का गुणांक क्या हुआ बच्चों? 2ncn हुआ है ना, कोफिशिएंट 2ncn हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1, इसका जनरल टर्म लेते हैं, व्यापक पद। ठीक है, यही होगा, यहाँ पर 2n माइनस 1 आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा है ना। अब क्या होगा, यदि r बराबर n है तो क्या होगा, n प्लस 1 2n माइनस 1 सी एन एक्स टू द पावर एन। अब इसका गुणांक ये है, तो ये इसका ट्वाइस है, ये हमें बताना है। वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि ये इसका ट्वाइस है। ठीक, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम बच्चों पहले राइट हैंड साइड को रफ में, ये रफ वर्क है, ये हमारे समझने के लिए है, हाँ, करके इसको सॉल्व करके रख रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ? ऊपर आता है 2n माइनस 1, एन सी आर को ओपन करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये हुआ, अपॉन में क्या हुआ, फैक्टोरियल n हुआ, देन n माइनस r है तो 2n माइनस 1 माइनस n है ना, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, ये मैंने थोड़ा सा रफ वर्क करके रख लिया, निकाल कर रख लिया। ठीक है, अब हम बच्चों लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको फेयर में करना है, सामने दिखाते हुए करना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों 2n cn, गॉट इट। इसको मैंने ओपन किया, 2n फैक्टोरियल में आएगा, देन फैक्टोरियल n आएगा, देन फैक्टोरियल 2n माइनस n आएगा है ना, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। ठीक, अब एक ये है, एक ये है, मुझे बताना है ये इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो पहले इसको इसके जैसा तो बनाओ है ना, ये क्या है 2n माइनस 1, ओके, और ये क्या है बच्चों, ये है 2n है ना, तो अब इसमें से हम 2n आउट कर सकते हैं, 2n को मैंने किया आउट। ठीक, क्या रह गया, 2n माइनस 1 अपॉन एक फैक्टोरियल n, तो ठीक है फैक्टोरियल n ही है ना, दूसरा क्या है, दूसरा ये n माइनस 1 है, यहाँ पर n क्या किया, n बाहर ले लिया, तो क्या रह गया, n माइनस 1, यू कैन राइट इट लाइक दिस। देखो, अगर फैक्टोरियल 10 है, आप इसको 10 फैक्टोरियल 9 नहीं लिख सकते हो, कितनी बार तो जानते हैं, पर फैक्टोरियल 8 है, आप 8 फैक्टोरियल 7 लिख सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर n था, n बाहर किया, फैक्टोरियल
एन माइनस वन, ये एन और ये एन हो गए कैंसिल. ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन. फैक्टोरियल टू एन माइनस वन देखो एग्जैक्ट आ गया ना. अब आपको फ़ायदा समझ में आएगा. अब आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ इसका ये जो था ना बंधा हुआ रूप वो लिख लो, टू एन माइनस वन सी एन. अब लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था. गॉट इट, आ गया समझ में. तो बस इतना सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 11. गॉट इट, मैंने एकदम सिस्टमेटिकली बच्चों आपको करवाया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 12 पहले मैं रीड कर दूं. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर m इज 6. बहुत सिंपल है, पता है इसको बीच में यानी पहले देना चाहिए था, पता नहीं क्यों एंड में सिंपल सम डाल देते हैं. m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस x टू द पावर m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 हो. बच्चों सुनो, धनात्मक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है पॉजिटिव, है ना, इसका मतलब नेगेटिव भी होती होगी, तभी तो किया है. यस, बाइनोमियल में इंडेक्स नेगेटिव भी होता है. पहले 11th में सिलेबस में था बट अभी शायद ये आगे कहीं आप पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है. तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, हो सकता है पॉजिटिव भी आएगी, आपको पॉजिटिव को आंसर बोलकर बताना है. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन. 1 प्लस एक्स टू दी पावर एम, गॉट इट. जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन क्या होगा, एम सी आर, यहाँ पर ऑफ इट लिखना, जनरल टर्म ऑफ इट है ना, एम सी आर, क्योंकि मैं एम यहाँ पर ये वाला ले रही हूँ, वो वाला जनरल टर्म x प्लस वाई होल टू दी पावर n का नहीं ले रही हूँ, मैं इसका जनरल टर्म ले रही हूँ. ऐसे मैंने पिछले वाले सब में किया, गॉट इट. तो इसका जनरल टर्म होगा एम सी आर सीधे सीधे x टू दी पावर r. अब आपको किसका चाहिए, आप यहाँ पर रख दो r इज इक्वल टू 2. आपको r x स्क्वायर का चाहिए ना, बोल रहे हैं x स्क्वायर का, चलिए 2 रख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 1 थर्ड टर्म आ जाएगा, है ना, एम सी टू एक्स टू दी पावर 2. गॉट इट. इट इज गिवन दैट यह दिया है कि क्या दिया है, एम सी टू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दिया है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट एम सी टू, ये आपको बच्चों 6 दिया हुआ है. ठीक है, आपको सिर्फ m की वैल्यू बतानी है. इसको मैं ओपन करूं, आपको तरीका मैंने बताया है कि m को दो स्टेप उल्टा चला दो, m और m माइनस 1, ये होगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 6. नाउ m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12. एक साथ मुझे इधर ले लेना चाहिए था, एक स्टेप बच जाता. एनीवेज 12 कैसे फैक्टर करो, जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके m आ जाए, तो 4 एंड 3, तो माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0. m कैन बी टेकन कॉमन, m माइनस 4 प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0. m माइनस 4 एंड m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अभी क्या होगा, आइदर और, है ना, या तो ये बात या तो वो. अब आपको एक तो मिल गई वैल्यू 4, दूसरी मिल गई आपको नेगेटिव, है ना. तो निगलेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू योर आंसर विल बी m इज इक्वल टू 4. दैट्स ऑल. हाँ, 8.2 आज हमारी यहाँ पर समाप्त होती है. नई एक्सरसाइज यानी कि अपनी मिसलेनियस विविध प्रश्नावली लेकर हम आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, बाइनोमियल थ्योरम को बहुत अच्छे से करिए. जय हिंद.